हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल MDZ ब्लॉग पर। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूं सूरत का कपड़ा मार्केट दिखाने के लिए, जो बंद में कैसा दिखाई देता है वो मैं आज आपको सारा डिटेल से बताऊंगा। आप सामने जो रोड देख रहे हो, ये पूरा कपड़ा मार्केट है। इधर पूरे कपड़े का कारोबार इसी रोड पर होता है, जो पूरे विश्व के अंदर विख्यात है यहाँ का कपड़ा, तो इसे सिल्क सिटी भी कहते हैं। और ये आप देख रहे हो, ये रास्ता ये जा रहा है स्टेशन, रेलवे स्टेशन की तरफ। ये सारा दरवाज़ा सर्कल है, ये ऊपर पुल बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो उसके लिए यहाँ पे पुल बनाया हुआ। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ टेक्सटाइल मार्केट, सूरत कपड़ा मार्केट, जिसका पूरा विश्व के अंदर नाम है। और इसी कपड़े मार्केट के कारण सूरत को सिल्क सिटी भी कहते हैं, सिल्क सिटी के नाम से भी सूरत जाना जाता है। तो ये आप जो सामने देख रहे हो, ये है जस मार्केट। ये एक पूरी गोल बिल्डिंग है, पूरी चारों तरफ से राउंड बिल्डिंग है, ये जस मार्केट है। और आगे आप ये देख रहे हो, ये रेशम वाला मार्केट है। इसके अंदर आढ़ती ये लोग एजेंसी का काम ज़्यादा है, जो डायरेक्ट अपने पार्टियों को माल यहाँ से भिजवा देते हैं। और दोस्तों, ये आप जो आगे देखोगे, ये श्री सालासर हनुमान द्वार है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये इसके अंदर आगे और भी कपड़े के मार्केट है, महावीर मार्केट, मूलचंद आदि बहुत ही फेमस मार्केट है, जिनका कपड़ा पूरे विश्व भर में जाता है। इस मंडी से भारत के हर राज्य, हर गांव, हर शहर के अंदर कपड़ा जाता है और एक्सपोर्ट भी होता है। और ये आप देख रहे हो, ये जेजेसी मार्केट है, बहुत ही सुंदर मार्केट है ये। और यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं, उनका काम है, उनकी दुकानें हैं, लहंगे चोली आदि का काम यहाँ पे होता है। ये जेजेसी मार्केट देखिए, बहुत ही सुंदर मार्केट, बाहर से कितना अद्भुत दिखाई दे रहा है। ये आप जो देख रहे हो, ये सामने पुलिस चौकी है, जो सारी व्यवस्था यहाँ की देखती है, कोई बदमाशी वगैरह ना हो। और ये जो पार्किंग है, SMC पार्किंग, इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, वो आप देख सकते हो, आई कार्ड में इसका लिंक दे दूंगा। और ये है सूरत की आन बान शान, सूरत टेक्सटाइल मार्केट। ये इतना बड़ा मार्केट है कि आप इस मार्केट के अंदर खो जाओगे, आपको दुकान भी जल्दी यहाँ पर नहीं मिलती है। इतना बड़ा मार्केट, इतने ब्लॉक यहाँ पर बनाए हुए हैं, कोई समझ में भी नए आदमी को नहीं आएगा। और ये आप जो देख रहे हो, ये MG मार्केट है, यहाँ पे ब्लाउज वगैरह आदि आपको मिलेंगे। इस मार्केट का भी नाम ये देखो, आज संडे को भी दुकान खुली हुई है, स्वागत सिल्क मिल्स, बड़ी सुंदर दुकान है। और बिल्कुल भी आप वीडियो स्किप ना ही करना, क्या मालूम आपको कुछ ऐसा दिख जाए जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा हो। अभी ये आप जो देखोगे, ये मिलेनियम मार्केट है, ये भी बहुत सुंदर मार्केट है। इसके चार भाग बन चुके हैं, मिलेनियम 1, मिलेनियम 2, मिलेनियम 3 और मिलेनियम 4। ये आप जो देख रहे हो, ये मिलेनियम 1 है, सबसे पहले ये मार्केट बना था, बहुत ही बड़ा मार्केट है ये। और इसके अंदर जो दुकानें हैं, बहुत ही सुंदर दुकानें, और यहाँ पे बहुत ही महंगा कपड़ा, साड़ियाँ आदि यहाँ पे आपको मिलती है। तो इस मार्केट को अंदर से भी मैं एक दिन आपको ज़रूर दिखाऊँगा। ये इधर भी मार्केट ही मार्केट है, साड़ी के, शूटिंग के आदि बहुत बड़े बड़े मार्केट इधर बने हुए हैं। और ये जो सामने देख रहे हो, 451 मार्केट है, सूरत का पुराना मार्केट है ये, यहाँ पे शूटिंग सेटिंग का ज़्यादा काम होता है। ये सर्वोदय मार्केट है, इसके अंदर स्कूल यूनिफॉर्म के कपड़े, शूटिंग सेटिंग का ज़्यादा मिलता है। और ये राठी पैलेस है, ये भी बहुत सुंदर मार्केट है, बहुत भव्य मार्केट, बड़ा मार्केट है ये दोस्तों, बहुत, ये पूरा मार्केट एरिया ही है। मार्केट एरिया कम से कम 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और छोटे बड़े 200 के लगभग मार्केट है, और लाखों कपड़े की दुकानें हैं, हर वेराइटी का कपड़ा यहाँ पे मिलेगा, जो पूरे भारत में, विश्व में जाता है। ये देखो, स्कूल बैग भी है यहाँ पे, जो लोग अपने बच्चों के लिए, घर के लिए ले जाते हैं, वो भी मिलेंगे।
तो भाई लोगों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।